मंत्री बन करके उत्तर प्रदेश की कुर्सी को संभालने आ रहे हैं, उनके लिए एक लाइन गाना बोले कमल हाँ 500 बसंतलाल यादव ने कहा अरे को कसर कोई नहीं है संता संजनी वहां से भी चाहिए अरे को कसर कोई नहीं है संता असो पपा चाल हमने ऋषि बाबू के द्वारा हमने रामलाल सिपाही जी का भतीजा हूं, बहुत सुंदर कलाकार भी हूं। ये बात यूट्यूब के माध्यम से उत्तर प्रदेश में जीत रास्ते उत्तर प्रदेश में इस लाइन को ठीक से शूट कर लो, इतना कट करके डाल देना। मैं बिहार गायक विजयलाल यादव निवेदन करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश में लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों से जो हमारे गठबंधन के बीच में है और जो गठबंधन में नहीं है हमारे दिल में है, एक विशेष आग्रह। और यह संदेश विजयलाल यादव का संदेश नहीं, माननीय जी का संदेश, अखिलेश यादव जी का संदेश है जो मैं कहने जा रहा हूं। टिकट मिल जाएगा, चुनाव लड़िएगा, जीतिएगा। अगर आपको टिकट नहीं मिलेगा तो मलाल को कलेजे से निकाल करके माननीय जी ने जिसको टिकट दे दिया है उसको जिता करके पहुंचा करके सरकार बना दीजिएगा, यही हमारी आपकी उपलब्धि होगी। ये नहीं होना चाहिए प्लीज। मैंने तो कह दिया कि विजय जी आप बोलिए तो मामला करो, माननीय जी हम ही वहां से जीत ही सकते। माननीय जी सुन रहे थे, हंस रहे थे, बैठे थे लखनऊ में, हमसे पूछा गया विजय जी आप बताओ लास्ट में। हमने कहा माननीय जी अगर आपका आशीर्वाद मिला तो चुनाव लड़ूंगा, जीतूंगा, और नहीं मैं आशीर्वाद मिला हमसे कोई दमदार हो जो जीत जाने वाला हो उसको टिकट दे दीजिएगा, उसको जिता के लेके आऊंगा। मुस्कुरा के भेज से मोड़ी नीचे कर, तो बात ऐसी हो कि बात भी अपनी हो जाए और काम भी अपन हो जाए। धर्मेंद्र यादव जी आपको बनता हूं, उनसे बधाई देता हूं, पिछड़ा प्रकोष्ठ का महासचिव बनाए जाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। बहुत मंदिर टेढ़ी है, चलना है और राह चलता रहता है तो उसे उसकी मंदिर मिल जाती है, लाइन ही है। ऐसे अरे को कसर कोई नहीं है संता ये तो बजा चो डॉक्टर अनिल यादव जी रामा यादव संदा आई। अरे माया स्वीकार कर ली,
इमरजेंसी आ गई है, जाना जरूरी हुआ। मैं दो तीन चार मिनट में अपने गीत को समाप्त करूंगा। हमारे बीच में हमारे प्रकाश भाई चुकाहा की धरती से आए हैं, अपने यहां का बड़ा सुंदर लम्हा। दिनेश जी, अच्छा चल गया।